hello everyone in this video you will get to know how we can rename row labels and column labels of a data frame app data frame k row labels और कॉलम लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो कैसे रीनेम कर सकते हो राइट right? उनको कैसे एक डिफरेंट एक दूसरा नाम आप दे सकते हो ओके वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज लेबल्स ऑफ रोज मीनस लेबल्स के जो नेम्स आपने दिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रोज के जो आपने इंडेक्स नेम दिए हुए हैं राइट डिफॉल्ट इंडेक्स होता है आपका जीरो वन टू थ्री इसके अलावा भी आप क्या दे सकते हो इंडेक्स के नेम्स दे सकते हो उनको हम लेबल्स बोलते हैं तो आप रोज के लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो और कॉलम्स के नेम्स को जैसे यहाँ पे देखो कॉलम्स के नेम है रोज के नेम है राइट right? आप इनको कैसे चेंज कर सकते हो वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मेथड तो यहाँ पे हम रीनेम फंक्शन का यूज करके ओके डेटा फ्रेम के रीनेम फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम के रो लेबल्स को एंड कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं राइट right?

ओके वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो अगर आपको रीनेम करना है उनका नेम चेंज करना है ओके okay, तो आप क्या यूज़ करोगे रीनेम फंक्शन का यूज़ करोगे कैसे करेंगे देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट uh, दी है ये मैंने गूगल कॉल ऐप पे एग्जीक्यूट किया था वहाँ से इसका स्क्रीन लिया है देखो डी एफ डॉट ओके डी क्या है आपके डेटा फ्रेम का नेम जो ये आपका डी एफ डेटा फ्रेम है ओके okay. आपने रीनेम फंक्शन में पास किया है अब यहाँ पे देखो मैस क्या है आपका रो लेबल है ओल्ड नेम है रो का राइट right? मैस और उसको आपने कॉलन सब वन सब वन आपका क्या है जो न्यू नेम आप देना चाहते हो राइट एज अ डिक्शनरी आप पास कर रहे हो ओल्ड नेम ओल्ड नेम एज अ की एंड न्यू नेम एज अ वैल्यू ऑफ द की राइट ओल्ड नेम डिक्शनरी की की वैल्यूज है ओके okay, एंड जो न्यू नेम्स दे रहे हो वो क्या है डिक्शनरी की वैल्यूज ओके मैथ सब्जेक्ट वन साइंस को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट टू में हिंदी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट थ्री में राइट रीनेम फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है एज अ डिक्शनरी पास कर दिया है किसको ओल्ड नेम्स को एंड न्यू नेम्स को ओल्ड नेम्स क्या है यहाँ पर कीज है डिक्शनरी की और न्यू नेम क्या है वैल्यूज है डिक्शनरी की राइट right? रो इंडेक्सिस राइट ओके एंड देन प्रिंट डीएफ अब ये जो आपका चेंज होगा उसके बाद ये कहा जाके सेव हो जाएगा अगेन आपने एक वेरिएबल लिया है डीएफ उसमें जाके सेव हो जाएगा आपने इसको प्रिंट करा दिया फाइन सिंपल आपने रीनेम फंक्शन का यूज करके यहां पे क्या किया है चेंज किया है रो के नेम्स रोज के नेम को राइट ना दिस इज योर रिजल्ट अब यहां पे देखो आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या हुआ है रो इंडेक्सेस आपके चेंज हो चुके हैं रो लेबल्स आपके चेंज हो चुके हैं अब ये बन चुके हैं सब वन सब टू एंड सब थ्री ओके ओके द दैरामीटर एक्सिस इक्वल्स टू इंडेक्स जो हम यह, हमने यहाँ हमने यहां पे रीनेम uh, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और पास किया एक्सिस एक्सिस में आपने क्या वैल्यू दी है इंडेक्स इंडेक्स इज इज टू टू स्पेसिफाई द बी चेंज तो यहाँ पे जो आपने इसकी वैल्यू दी है वो क्या बता रही है कि क्या चेंज करना है रो लेबल्स को चेंज करना है राइट इफ नो न्यू लेबल इज पास कॉरपोर्डिंग टू एन एग्जिस्टिंग लेबल द एग्जिस्टिंग रो लेबल इज लेफ्ट एज इट इज फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सब सब्जेक्ट 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 है राइट right? मान लो इनमें से किसी एक लेबल को मैं चेंज नहीं करना चाहती ओके okay? तो मैं उसे रीनेम फंक्शन में पास नहीं करूंगी फाइन यहाँ लेबल अगर किसी लेबल के जो है अगर कोई एग्जिस्टिंग लेबल है उसके लिए मैं कोई न्यू वैल्यू पास नहीं करती हूँ रीनेम फंक्शन में तो वो एज इट इज रहेगा मतलब उसका पुराना नेम ही रहेगा पुराना लेबल ही रहेगा ओके okay? नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल डी एफ क्या है आपका डेटा फ्रेम ओके डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम अब रीनेम के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास कर दिया है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन किस में कन्वर्ट हो जाए मैथ्स में ओके सब्जेक्ट टू आपका साइंस में फाइन आपने एज अ डिक्शनरी पास कर दिया ओल्ड लेबल्स को और एंड न्यू लेवल्स को फाइन अब यहाँ पे हमने देखो सब्जेक्ट थ्री को पास नहीं किया है तो सब्जेक्ट थ्री क्या होगा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रीनेम फंक्शन के अंदर पास नहीं किया है एक्सिस आपका इंडेक्स है मीन्स यहाँ पे रो लेबल्स कन्वर्ट होंगे और आपने प्रिंट डी कर दिया डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया राइट right? ओके okay. अब यहाँ पे देखो आपने सब्जेक्ट वन को मैथ कर दिया था सब्जेक्ट वन जो आपका था वो मैथ्स हो गया है सब्जेक्ट टू आपका साइंस हो गया है लेकिन सब्जेक्ट थ्री आपने पास नहीं किया था तो वो क्या है एज इट इज सब्जेक्ट थ्री है ओके, okay? राइट? Right? तो अगर आप क्या कर सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी नेम्स चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि सारे ही लेबल्स आपको अगर चेंज अगर आप सारे लेबल्स चेंज नहीं करना चाहते तो जो लेबल्स आप चेंज करना चाहते हो उसको आप रीनेम फंक्शन में एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हो ओके वी है वी हैव रीनेमिंग कॉलम लेबल्स ठीक है अभी हमने रो लेबल्स को चेंज किया था रीनेम किया था अब हम किसको करेंगे कॉलम लेबल्स को चेंज करेंगे ओके टू ऑल्टर द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम डी एफ वी कैन अगेन यूज रीनेम मैथड अगेन हम किसका यूज करेंगे रीनेम फंक्शन का ही यूज करेंगे सेम है इसका जो सिंटेक्स है इसका फॉर्मेट है सेम है बस आपको एक्सेस की वैल्यू चेंज करनी है वहां पर आपने एक्सेस की वैल्यू इंडेक्स की थी इंडेक्स मीन्स रो लेबल्स यहाँ पे आप एक्सेस की वैल्यू दोगे कॉलम्स कॉलम मीनस कॉलम कॉलम लेबल्स राइट अब यहाँ पे देखो df.rename आपने डेटा फ्रेम के rename फंक्शन का यूज किया है उसके अंदर आपने एज अ डिक्शनरी क्या दिया है ओल्ड कॉलम नेम्स एंड न्यू कॉलम नेम्स जो आप देना चाहते हो ओके okay? अर्णव आपका ओल्ड कॉलम नेम है ये देखो df का आपने इसको बना दिया स्टूडेंट 1 देन रमित ओके okay. आपने इसको कर दिया स्टूडेंट टू देन समृद्धि आपने इसको कर दिया स्टूडेंट थ्री देन मलिका आपने रिया को यहाँ पे नहीं लिया है ओके okay? तो रिया एज इट इज रहेगा मलिका मलिका को आपने कर दिया स्टूडेंट फोर ओके एंड एक्सिस पैरामीटर में आपने क्या वैल्यू दी है कॉलम्स तो यहाँ पे किसके लेवल्स चेंज होंगे कॉलम के फाइन अब आप देखो आपने प्रिंट डीएफ कर दिया ओके okay? जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए वो कहां पे जाके स्टोर हो गए डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए फाइन अब देखो अर्नब की प्लेस पे क्या आ गया स्टूडेंट वन देन रमित के प्लेस पे आपका आया है स्टूडेंट टू ओके समृद्धि के प्लेस पे आया है आपका स्टूडेंट थ्री रिया को आपने चेंज पास नहीं किया था तो रिया एज इट इज आ गया है ओके एंड स्टूडेंट फोर आपने मलिका को क्या किया था स्टूडेंट फोर ओके यहाँ पे कॉलम्स लेवल चेंज हो गए राइट द पैरामीटर एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम एम्प्लाईज वी वॉन्ट टू चेंज द कॉलम लेबल्स तो मैंने आपको बताया था सेम सिंटेक्स है रो लेबल्स को चेंज करने का एंड कॉलम लेबल्स को चेंज करने का सिर्फ एक डिफरेंस है एक्सेस की वैल्यू में अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो रो लेबल्स चेंज होंगे अगर आप कॉलम्स पास करते हो तो कॉलम लेबल्स चेंज होंगे राइट